बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का नसीहत आमोज वाकया। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह छोटी उम्र के थे कि एक दफा अपने वालिद साहब के हमरा ईद की नमाज के लिए जा रहे थे कि लोगों की बहुत भीड़ थी, इसलिए वालिद ने इन्हें नसीहत की, देखो बेटा मेरी उंगली ना छोड़ना वरना रश और भीड़ में गुम हो जाओगे। लेकिन रास्ते में नन्हे सादी ने वालिद की उंगली छोड़ दी और खेल कूद में मशगूल हो गए, जैसा कि बच्चों की आदत होती है। खेल से फारग होकर जब वालिद को करीब ना देखा तो मारे खौफ के रोने लगे। इतने में वालिद भी इन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। कान खींचते हुए झड़क कर फरमाया कि ना समझ बच्चे, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मेरी उंगली मजबूती से पकड़े रखना, लेकिन तुमने ध्यान नहीं किया और मेरा कहा ना माना और परेशानी हुई। बड़ी उम्र में हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह लोगों को ये अपना गुजरा वाकया सुनाया करते थे कि अगर तुम दुनिया की भीड़ में गुम होना नहीं चाहते तो किसी नेक बंदे का दामन थाम लो, वरना परेशानी में ठोकरे खाते फिरोगे। जो बुजुर्गों का दामन छोड़ देता है वो यूं ही भटकता रहता है।